वो इस प्रकार का करके शायद जो है ध्यान उधर से हटाना चाहता है ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए आगे मांग बढ़े। और उनके पास तो अभी दमन चक्र है पूरा का पूरा, और पता नहीं एक दो बार वहां हुआ भी है कि जैसे काफी दमन हुआ, काफी विद्यार्थी मारे भी गए, लेकिन ये स्पोरेडिक मूवमेंट में, स्पोरेडिक कहूंगा, कंट्री में पूरा कंट्रोल अभी जो है मतलब वो कम्युनिस्ट पार्टी का है, एक छत्र राज है और टोटलिटेरियन इंस्टीट्यूशंस है, और डेमोक्रेसी का तो कोई अता पता ही नहीं है मतलब। और इसलिए और ज्यादा खतरनाक है चीन के साथ, बहुत खतरनाक है। देखिए आप मैडम, मैं तो मान के चलता हूँ डायलॉग आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ कर सकता है जी, और ये बात हमारी स्थिति पाकिस्तान के साथ हुई है जी। यानी डायलॉग किसके साथ करें, यानी मिलिट्री जहाँ है या एक कम्युनिस्ट पार्टी का, मैं तो सोवियत यूनियन में बहुत मैंने रहा हूँ वहां का, जो मैंने उस समय जब कम्युनिस्ट रूल था उस समय एक बात कर रहा हूँ मैं आपको, तो आप मतलब करेंगे किसके साथ जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं है, जब वहां का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी बनता हो जनता का नुमाइंदा नहीं है, तो पार्टी। प्रोफेसर साहब धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रोफेसर कमल का कहना था, वो एक बड़ी उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि आखिर में रतन टाटा तो कहते हैं कि संबंधों को सुधारो, पर सुधारो किससे, वहाँ तो आयरन कर्टेन है, वहाँ तो कम्युनिज्म का शासन है, यानी कि तानाशाही का रूल है, तानाशाही और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकते, दोस्ती नहीं रह सकती। जो समस्या सही कहा आपने कि जो भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, तो वहीं चीन जो है कम्युनिस्ट है, और ऐसे भी बीच जबकि चीन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी देश है, ऐसे महत्वाकांक्षी देश के साथ में संबंध बनाए रखना कितना विश्वसनीय है, कितना सही है, चर्चा जारी रखी। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद की घड़ी की तुम गुहार दो।